यहाँ कपड़ा धुल रहा है और क्रियांश उसी में खड़ा हो गया है और बहुत मन लग रहा है क्रियांश, निकलना भी नहीं चाह रहा। एक वीडियो डाला था मैंने कि क्रियांश के बर्थडे पे मैं लहंगा पहन रही हूँ, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी बर्थडे में कौन लहंगा पहनता है, आप गाउन पहनना। और मालूम चला है कि हमारी मम्मी और पापा, जी हाँ मम्मी और पापा, जो हमारे मौसी मौसा हुए, जो हमारे चाची चाचा हुए, वो लोग जो है आने वाले है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो यहाँ आ गया है क्रियांश नाई नाई करने के लिए, खाना खा के सर में पानी डालते भाग के आता है ना, सीधे मेरी तरफ आता है भाग के। ओए क्रियांश चल ले ना, ओए होए ओए होए, चल जान, इसको नहाना बहुत है जान। ओए क्रियांश फिलहाल इसका चेंज हो जाता है बिल्कुल, अभी तक खाना सब कुछ अच्छे से खाता था, आज से तमाशा शुरू हो गया है। आज से नहीं, दो तीन दिन से तमाशा, इसलिए इसका किसी भी चीज का तारीफ नहीं करना है। नहीं रहेगा भैया चैन से, अभी गेट को खोलेगा बंद करेगा। फाइनली क्रियांश हो गया रेडी है। क्रियांश बहुत गर्मी है तो हमने बनियान ही पहना है, क्रियांश को और कुछ नहीं पहनाई। क्या बम हो गया? टीवी बम हो गया? ये टीवी देख रहा है कैसे ये लड़का? क्रियांश बम हो गया, मशरूम बना हुआ है। क्रियांश बम हो गया भैया। A few moments later. तो जी अभी बज गए हैं दिन के एक और आज तारीख है 13 तारीख, हाँ जी, और बस दो दिन बाद जो है क्रियांश का जन्मदिन है। तो फिलहाल जो हम लोग का खाना लग चुका है तो जल्दी से चलते हैं, मम्मी तो बैठ भी चुकी है खाने के लिए, अब हम भी बैठ जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। मेरा बेटू खाना पीना खा के सो गया था, अब उठ गया। उठ गया, राधे राधे, जय जय क्रियांश, जय जय। इनका शर्म आ रही है, शर्म आ रही है भैया को, मैं तो देख रही हूँ क्रियांश को, इधर से देख ली हूँ। चल चलते हैं, घूमी घूमी आ जा। उठ गया, उठ गया। जय जय। अरे नटू बाहर कितनी गर्मी है ना, गर्मी बोलो तो, गर्मी है। क्रियांश अभी सो के उठा, उसके बाद उसके फ्रेंड्स वगैरह आ गए, चला गया घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और एक भैया है उसके शुभम भैया, उसके साथ चला गया वो खेलने के लिए। और मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक वीडियो डाला था मैंने कि क्रियांश के बर्थडे पे मैं लहंगा पहन रही हूँ, तो उसमें से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी बर्थडे में कौन लहंगा पहनता है, आप गाउन पहनना। हाँ मैं गाउन पहन सकती हूँ क्योंकि हमारे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं गाउन पहनूं, साड़ी पहनूं, लहंगा पहनो, बस उनको ऐतराज इस चीजों से, सोफ वाला कपड़ा मत पहनो, और अदरवाइज कोई भी हम कपड़ा पहनते हैं तो हमारे सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जिस समाज में रहती हूँ, जहाँ पे हमारे सास ससुर रहते हैं, जो हमारा समाज है, ये हमारा फंक्शन जो भी हो रहा है हमारे समाज में हो रहा है, हमारे समाज के लोग आएंगे वहाँ पे, उनको मतलब यहाँ पे ज्यादातर बहुएं साड़ी लहंगा यही पहनती है, गाउन नहीं पहनती है, तो इस वजह से मैं नहीं पहन सकती हूँ, यही रीजन है। और अदर कहीं भी फंक्शन होता है, जैसे कि कटिहार से बाहर कहीं भी फंक्शन होगा तो हम पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे सास ससुर को, लेकिन यहाँ पे सारे समाज के लोग आएंगे तो फिर इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा पहनने में। हमें कोई मना नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा पहनने में, इस वजह से हमने नहीं पहना। दिन में साड़ी पहनेंगे तो सोचा शाम में लहंगा पहन लेंगे। और जहाँ तक की बात रही रितु की, तो रितु का तबीयत अभी भी उतना सही नहीं हुआ है, पहले से तो कई ज्यादा ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो उस दौर से गुजरी है तो इतना जल्दी रिकवर करना पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी भी उसको थोड़ा सा वीकनेस है, तो इस वजह से उसने मना कर दिया। लहंगा थोड़ा सा भी मतलब कैसा भी ले लो, थोड़ा हैवी हो ही जाता है, तो उसने बोला कि भाभी हम लहंगा नहीं पहनेंगे, हम साड़ी ही पहन लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, जैसा तुमको अच्छा लगे पहन लेना, और दिन में भी वो साड़ी पहन लेगी और रात में भी साड़ी पहनेगी, जो रात में फंक्शन होगा केक कटिंग का उसमें भी पहनेगी, और हम सोचे पूजा में पहन लेंगे साड़ी, और फिर शाम में जो केक कटिंग होगा उसमें जो हमने लहंगा दिखाया आपको वो पहन लेंगे। ज्यादा हैवी सा नहीं है, एकदम लाइट कलर में दिखा होगा वीडियो में, तो बहुत प्यारा सा है, रेड वुड कलर का नहीं है, एकदम लाइट कलर में है, तो अच्छा ही लगेगा मुझे लगता है, तो इस वजह से हमने लहंगा ही लिया। वहाँ पे क्रियांश आ गया है।
क्या कर रहे हैं आप बाइक में? गिर जाओगे। क्या कर ले हो? यहाँ पे मैं लेटी हूँ और मेरा बेटा जो है क्रियांश टीवी देख रहा है चाची के पास। ये चाची को तब ढूंढता है जब इसको टीवी देखना होता है, कोई देखने नहीं देता है। हम लोग ज्यादा अपने रूम में टीवी चलाते नहीं है, क्रियांश को आदत लग जाएगी तो ये आता है अपनी चाची के पास टीवी देखने के लिए। क्रियांश वैसे ये चाची को बहुत प्यार करता है। क्रियांश वॉक पे अगर टू नू गुद 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 बाहर भाग गया भाई से मिलता है। पैदल चल के जा रहा है रितु का पार्सल लेने के लिए। आपके दोस्त आए हैं, भैया आए हैं। ये देखो क्रियांश मिलने आए हैं। क्या हुआ भाई, हो गया? जा रहा तुम्हारा दोस्त, तुम बात नहीं ना कर रहे हो। जा रहा तुम्हारा दोस्त है ना, गुच्छे हो गए, गुच्छा गुच्छा हो गए ना क्रियांश। क्रियांश पागल दे हो। क्रियांश जो है एक गली में बैठ के अपना मिट्टी कोर रहा है। कम से कम इसको यहाँ से 50 बार अभी माँ लेके गया, लेके आए, कहीं मिट्टी मिलता नहीं, इस गली में मिला है इसको मिट्टी। आते हो तुम यहाँ पे? रितु टीवी चलाइए क्या तुम? नीपुरा बम। तो यहाँ पे हमारा सामान आ गया लगभग। The next day. हम सो के उठ गए जी, तो जल्दी से इस बेड को जो है फोल्ड किया जा रहा है और यहाँ पर जो है अपना झाड़ू पोछे से बगेगा, सारा साफ सफाई होगा। कुछ देर पहले आपको आवाज सुनने को मिला होगा, तो यह आवाज था उसी का। क्या बात है सर। अब जो है क्रियांश पे ब्लॉगिंग करेगा, बताओ बोलो क्रियांश। ओए क्रियांश, तो क्रियांश का नजर जो है अपनी दीदी पर आ गया है। ओए क्रियांश को भी कार्ड दे दो, लेकिन हम लोग के साथ रहती है, बिल्कुल हम लोग के घर का काम संभालती है, इसलिए एक परिवार का सदस्य मानते हुए सही बात। चांदनी को भी इस खुशी का अवसर, बिल्कुल वैसे भी क्रियांश को बहुत लगा होगा, बहुत मानते हैं। ठीक है उनका कार्ड दे दो। क्रियांश यहाँ कपड़ा धुल रहा है और क्रियांश उसी में खड़ा हो गया है और बहुत मन लग रहा है क्रियांश, निकलना भी नहीं चाह रहा। बाबा कितना दुलारा है, वो जो कहता है वही होता है। आग लगा घर में, आग लगा। आ जाओ क्रियांश ऊपर आ जाओ, जाओ ऊपर, वही गा ऊपर जाओ। यहाँ पर जैसे ही टीवी ऑन हुआ क्रियांश की खुशी देखी है, डांस करने लगा। हाँ क्रियांश क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा नजर जा रहा है इस पे, उसका गाड़ी दे दो इसको, ये वाला फटा फटा जो गाड़ी है इसका, चल गया उधर, चल गया क्रियांश। तो अभी बज रहे थे सुबह के 10 और मालूम चला है कि हमारी मम्मी और पापा, जी हाँ मम्मी और पापा, जो हमारे मौसी मौसा हुए, जो हमारे चाची चाचा हुए, वो लोग जो है आने वाले हैं। पता चला है कि वहाँ नौगछिया तक पहुँच गए हैं, वहाँ से मुश्किल से अब 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए कटिहार पहुँचने में, तो बहुत एक्साइटेड है उनके आने का। तो जल्दी से वो लोग आए और आप लोग से मिलवाते हैं।